नमस्कार, आज सबकी निगाहें अंबाला पर थी जहां आज 5 रफाल जहाज भारत पहुंचे। उनका साथ 2 सुखोई हवाई जहाजों ने भी दिया जब वो भारत के एयरस्पेस में पहुंचे थे, और काफी उत्तेजना थी। मीडिया ने तो 24 घंटे से रफाल की जो सफर वो लोग रफाल तय कर रही है फ्रांस से भारत तक, मीडिया 24 घंटे से उसका कवरेज कर रही है। और जाहिर है कि क्यों लोग इतने खुश हैं कि रफाल आखिर भारत में पहुंचेंगे। कई सालों से, 20 सालों से इस किस्म के हवाई जहाज भारत ने नहीं खरीदे हैं। ऐसे हवाई जहाज जो उड़ान में कई मिशन में दे सकते हैं अंजाम, एक साथ 100 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है रफाल हवाई जहाज। तो रफाल अब भारत पहुंचे हैं और ये अच्छी बात है, पर अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब भारत को देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बात है कि 36 रफाल हवाई जहाज अगले साल तक भारत में आ जाएंगे, और लग रहा है कि 80 से ज्यादा अब तेजस हवाई जहाज भी भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। पर अभी भी जितने स्क्वाड्रन भारत को जरूरत है, अभी भी उन पर प्रश्न चिन्ह है कि वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पूरी राजनीतिक कंट्रोवर्सी हुई थी वो इसी में हुई थी, क्योंकि एक जमाने में भारत 120 रफाल खरीद रहा था और फिर 36 ही रफाल अब भारत आ रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा कि ये जो बाकी विमान है ये कहाँ से आएंगे, उनके लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या और तेजस बनने चाहिए, क्या रफाल की और खरीद होनी चाहिए, क्या ड्रोन्स के बारे में भारत को सोचना चाहिए, जैसे जो सी गार्डियंस हैं या प्रेडिटर या रीपर ड्रोन्स हैं, कि उनके बारे में भारत को सोचना पड़ेगा। तो कई अभी भी सवाल हैं जिनके जवाब भारत को देने पड़ेंगे। पर फिलहाल आज सब लोग काफी खुश थे कि रफाल हवाई जहाज 5 रफाल भारत पहुंच चुके हैं, और शायद चीन की भी निगाहें आज अंबाला पर ही होंगी, और अब देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी ये रफाल अंबाला से शायद लद्दाख की तरफ उड़ान भरते हैं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत के राफेल विमानों की पहली खेप बुधवार 29 जुलाई की दोपहर भारत पहुंच गई। पहली खेप में आए 5 विमानों का हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जोरदार स्वागत हुआ। बेस पर उतरने से पहले विमानों ने एरो और विक्ट्री फॉर्मेशन के साथ अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ान भरी। इससे पहले राफेल के भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करते ही उनके स्वागत और सुरक्षा में 2 सुखोई 30 MKI विमान मौजूद दिखे। बेस पर इन विमानों को रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख और तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। इन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। यह राफेल करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके फ्रांस के मैरिग्नैक एयरबेस से भारत पहुंचे हैं। इस बेड़े में 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 विमान हैं। इन्हें वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तस्वीरें खींचने पर मनाही है, इसीलिए मीडिया को भी इजाजत नहीं दी गई। राफेल के भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा में ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ न दिखता है और न है। अपने ट्वीट के अंत में पीएम ने लिखा स्वागतम #RafaelInIndia। राफेल के भारत पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा कि बर्ड्स अंबाला में सुरक्षित उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल वाले विमान वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। मैं भारतीय वायुसेना को बधाई देता हूं, और मुझे यकीन है कि 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन अपने आदर्श वाक्य को स्थापित करेगी। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को समय पर बढ़ावा मिला है। बुधवार को जब राफेल भारतीय सीमा में दाखिल हुआ तो सबसे पहले हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता से इसका संपर्क स्थापित हुआ। इस दौरान शिप के कमांडर और राफेल टीम को लीड कर रहे एरो लीडर के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक किया गया है। एरो लीडर डेल्टा 63, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी लैंडिंग। डेल्टा 63 एरो लीडर, विश यू फेयर विंड, हैप्पी हंटिंग ओवर एंड आउट। बातचीत INS कोलकाता की तरफ से शुरू होती है, जिसमें वो कहते हैं एरो लीडर, भारतीय समुद्री क्षेत्र में आपका स्वागत है।
इसके जवाब में राफेल लीडर कहते हैं, बहुत धन्यवाद, समुद्र की रखवाली करने के लिए भारतीय युद्धपोत का होना आश्वस्त करता है। इसके बाद INS कोलकाता की तरफ से मैसेज पास होता है कि आपके आकाश में गर्व से उड़ान भरने को लेकर शुभकामनाएं, हैप्पी लैंडिंग, जिसका जवाब राफेल लीडर ये कहते हुए देते हैं कि आपको भी शुभकामनाएं, हैप्पी हंटिंग, ओवर एंड आउट। राफेल के वायुसेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत काफी बढ़ गई है, वो भी क्यों ना, क्योंकि राफेल के अचूक निशाने से दुश्मन बच ही नहीं सकता। अगर बिना पेलोड की बात करें तो राफेल का वजन 10 टन है, वहीं अगर ये मिसाइल्स के साथ उड़ान भरता है तो इसका वजन 25 टन तक हो सकता है। एयरफोर्स के कई मालवाहक विमानों का इतना वजन नहीं होता। अब आपको बताते हैं क्यों भारतीय सेना के लिए राफेल खास है। अपनी सीमा में रहकर भी दुश्मन पर वार करेगा। आसमान में आंधी है राफेल, ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी एक ही उड़ान में एक से ज्यादा मिशन संभव। रडार सिस्टम बेहद मजबूत, अपनी सीमा में रहकर भी दुश्मन पर वार करेगा। कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, एक साथ 100 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम। राफेल के पास मेट्योर और हैमर जैसे मिसाइल जो चीन और पाकिस्तान के पास नहीं। पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए बेहद सटीक, चीन के G20 पर भारी पड़ सकता है। एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, या पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर। राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में खतरनाक सैन्य ऑपरेशन किए। राफेल का पहला बेड़ा भारत आ चुका है। राफेल को गेम चेंजर माना जा रहा है। आइए जानते हैं राफेल पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 के मुकाबले कहाँ ठहरता है। राफेल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 16 भी 4.5th जनरेशन का है, जबकि चीन J-20 के 5th जनरेशन का होने का दावा करता है। विंग स्पैन की बात करें तो राफेल 10.8 मीटर है इसका विंग स्पैन, F-16 का 9.96 मीटर है, कम है इससे, जबकि J-20 यानी चीन का विमान 13.5 मीटर है, जो कि राफेल से ज्यादा है। लंबाई की बात करें तो राफेल 15.3 मीटर लंबा है, पाकिस्तान का F-16 15.06 मीटर है, जबकि चीन का J-20 20.4 मीटर। ऊंचाई में राफेल 5.3 मीटर ऊंचा है, F-16 4.88 मीटर, तो J-20 4.45 मीटर, यानी ऊंचाई में राफेल सबसे ज़्यादा है। रेंज की बात करें जो कि बेहद अहम है, रेंज है राफेल की, रेंज है 3700 किलोमीटर की, F-16 की 4220 किलोमीटर की, जबकि J-20 की रेंज का अभी पता नहीं है। स्पीड की बात करें तो राफेल की स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की, F-16 यानी पाकिस्तानी 1414 किलोमीटर की, तो J-20 यानी चीनी 2223 किलोमीटर की। टेक ऑफ वज़न की बात करें तो राफेल 24.5 टन का टेक ऑफ वज़न लेकर उड़ सकता है, F-16 इससे काफ़ी कम है, 13 टन है इसका, जबकि J-20 यानी चीन का दावा है कि वो 36 टन टेक ऑफ वजन के साथ उड़ सकता है। ईंधन क्षमता में राफेल 10.24 टन है उसकी क्षमता, जो कि F-16 के 4.9 टन से बहुत ज़्यादा है। J-20 की ईंधन क्षमता का पता नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राफेल डील पर सवाल उठाते हुए इस फाइटर जेट की कीमत पूछी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस डील की कीमत अब तो बता देनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि साल 2012 में UPA सरकार ने 126 राफेल खरीदने का फैसला किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को HAL द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कई बार सवाल पूछने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं, आखिर क्यों? दिग्विजय सिंह ने कहा, क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल का अंबाला एयर बेस पर शानदार स्वागत किया गया। देश के हर नागरिक के लिए ये एक गौरव भरा क्षण है, तो ऐसे में हर मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली अमूल गर्ल भला कैसे पीछे रहती।
अमोल ने ट्विटर पर अपनी फेमस कार्टून गर्ल की इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो राफेल के साथ खड़ी है और उसके हाथ में एयरफोर्स का हेलमेट है। तस्वीर के ऊपर कैप्शन में लिखा है, जब वी जेट। अमोल की तरफ से शेयर की गई इस तस्वीर की लोग कमेंट्स कर काफी तारीफ कर रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम को बंद किया जाएगा और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के जरिए पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा देश में कानून और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही रेगुलेटर के अधीन होंगे। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, जो कि अभी 4.43% है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत सत्र बुलाने पर अड़े हैं, तो वहीं राज्यपाल उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। अब तीसरी बार कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल को खारिज कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को एक बार फिर राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन राज्यपाल नहीं माने। सत्र बुलाने को लेकर सीएम की राज्यपाल से हुई ये चौथी मुलाकात थी, जो विफल रही। दरअसल मंगलवार को गहलोत के निवास पर कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। गहलोत की टीम ने अपने जवाब का मसौदा तैयार किया और 31 जुलाई को विशेष सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। दुनिया में सबसे तेज गति से कोरोना मामलों की बढ़ोतरी भारत में हो रही है। बुधवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 15 लाख को पार कर चुकी है। बुधवार को बीते 24 घंटे में 48,513 नए केस आए, तो 768 लोगों की मौत हुई, जिससे अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 15,31,669 हो गई। इस बीमारी से देश में अब तक 34,193 मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। राहत की बात यह है कि देश में अब 9,88,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। देश में रिकवरी रेट फिलहाल 64.50% पहुंच गया है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट 11.86% पर है, जो चिंता की बात है। इसका मतलब यह है कि जितने भी सैंपल की टेस्टिंग हो रही है, उनमें से 11.86% सैंपल पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश में 28 जुलाई को कुल 4,08,855 सैंपल की टेस्टिंग हुई। वहीं महामारी फैलने के बाद से अब तक कुल 1,77,43,740 सैंपलों की टेस्टिंग हो चुकी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बड़ी जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंच गया है। साथ ही रिकवरी रेट में भी उछाल आई है। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 64.51% है। इसके अलावा कोरोना के जिन मामलों में नतीजे आ गए हैं, उनमें 96.6% लोग ठीक हुए हैं और 2.23% लोगों की ही मौत हुई है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 15 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। बिहार में बाढ़ का कहर गहराता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के एक और जिले समस्तीपुर को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तरह अब राज्य के 12 जिलों के 101 प्रखंडों की 837 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जिससे 25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव के कार्य में लगी है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। वहीं अलग अलग जिलों में पानी में डूबने से 21 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण में 8, समस्तीपुर और दरभंगा में 3-3, सहरसा में 5 और गोपालगंज में 2 लोग डूब गए। पूर्वी चंपारण में इस साल बाढ़ को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक तबाही मचाने वाला माना जा रहा है। जिले के 27 प्रखंडों में 14 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मोतिहारी में करीब 7 लाख की आबादी बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। नेपाल से आने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना, ललबकिया, बागमती, तिलावे, मसान, मरघर, धनौती सहित दर्जनों नदियों ने तबाही मचा रखी है।
दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह द्वारा रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने बताया कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच को पटना से मुंबई शिफ्ट करने की मांग की है। बता दें कि के सिंह ने 27 जुलाई को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई में जांच के लिए पहुंच चुकी है। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप लगाया है।